नमस्कार, न्यूज 18 गुजराती में आप सबनु स्वागत छे। आपनी साथे हूं छूं प्रकाश। नजर करिए समाचार सुपरफास्ट पर। पीएम मोदी अमदावाद में वधु एक रोड शो करशे। इंदिरा ब्रिज, एरपोर्ट सर्कल, शाहीबाग, नफनाड़ा, सुभाष ब्रिज, गांधी आश्रम, वाड़द सर्कल और सरदार स्टेडियम सुधी रोड शो करशे। दहेगाम थी रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी सुधी योजायो प्रधानमंत्री मोदी रोड शो। आरआरयू खाते कर्यु नवी इमारतनु लोकार्पण। आज प्रधानमंत्री की गुजरात मुलाकात बीजो दिवस। गांधीनगर थी दहेगाम सुधी योजायो पीएम मोदी रोड शो। मोटी संख्या में लोग पीएम ने रूबरू जोवा माटे थया हता एकत्रित। पीएम मोदी मेगा रोड शो दरमियान सीआर पाटिले कहू पीएम मोदी स्वागत। सीआर पाटिले जणाव्यू के वर्षो पछी पीएम की एक झलक ने निहाळवा नगरवासियों में जोवा मळ्यो अनेरो उत्साह। आ उपरांत पीएमे तमाम लोगों झीलू अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय शक्ति रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी ने गणाव्यू देश घरेणू। नवी बिल्डिंग करू लोकार्पण। विद्यार्थियों ने आप्यो उज्ज्वल भावि मंत्र। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह में 1091 छात्रों ने पदवी एनायत कराई। पीएचडी पूर्ण करना छात्रों ने गोल्ड मेडल मेलवना छात्रों ने पदवी एनायत कराई। पीएम मोदी साथ गृहमंत्री अमित शाह, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल उपस्थित रहा। दांडी यात्रा 92 वर्ष पूर्ण थवाना अवसरे कोचरब आश्रम पहुंचा अमित शाह। प्रार्थना सभा में लीधो भाग, साइकल यात्रा प्रारंभ कराव्यो। अमित शाह संबोधन कर्यू, कहूं आ साइकल यात्रा थी लोगों में फरी चेतना जागशे। मैं दुनिया ना अनेक देशों आजादी आंदोलन इतिहास जोया छे। भारत सिवाय कोई देश इतिहास सशस्त्र क्रांति वगर थयो नथी। प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ प्रारंभ करावशे। सांजे इंदिरा ब्रिज सरदार पटेल स्टेडियम सुधी करशे रोड शो। भाजपना नेताओं कार्यकर्ताओं रहेशे हाजर। खेल महाकुंभ में 25 शक्तिदूत खिलाड़ियों ने मळ्यु खेल महाकुंभ में आमंत्रण। भाविना पटेल, सोनल पटेल, सरिता गायकवाड़ ने आमंत्रण। खेल महाकुंभ में ओलम्पस स्पोर्ट्स एकेडमी तालीम पामेला विद्यार्थियों पीएम मोदी की हाजरी में योगासन, रोप मलखम, पार्कोर, एरियल सेल्फ और कराटे जेवी रमतों प्रदर्शन करशे। अमदावादना पीराणा में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा योजाई। राज्यना रूरल डेवलपमेंट और रूरल हाउसिंग विभाग कैबिनेट मंत्री अर्जुनसिंह चौहान सभा में लीधो भाग। राजकोट में आपना नेता ईसुदान गढ़वी मोटू निवेदन। पाटीदार समाज अग्रणी नरेश पटेल ने आप में जोड़वा आप खुल्लू आमंत्रण। कहूं आम आदमी अने आप इच्छे छे कि नरेश पटेल आप में आए। बोटाद जिला शाला संचालक मंडल द्वारा आजादी अमृत महोत्सव निमित्ते रेली। बोटाद की शालाओं विद्यार्थियों की विशाल राष्ट्राभिमान रेली योजाई। विद्यार्थियों में राष्ट्रभावना प्रगटावा हेतु। सोमनाथ विकास कामों माटे मास्टर प्लान तैयार कराशे। सोमनाथ मंदिर में भविष्य की जरूरियातों ने ध्यान में राखी प्लान तैयार कराशे। आ प्लान आर्किटेक्ट बीमल पटेल बनावशे। सिटी बस की अड़फेटे आता एमएस यूनिवर्सिटी की विद्यार्थिनीना मौत ने लेने वडोदरा एनएसयूआए विरोध कर्यो। एमएस यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों रोष में, परिवारजनों माटे योग्य वर्तन की कराई मांग। गुजरात में 2 दिवस हीट वेव की आगाही, येलो एलर्ट जाहिर करायो। कच्छ, पोरबंदर, गीर सोमनाथ, दीव में आगामी 2 दिवस माटे हीट वेव की आगाही। राजकोट सुरेन्द्रनगर में पण 2 दिवस माटे आगाही। डीसा हवे बटाका बाद राजग्रानु हब बन्यु। युद्ध की असर ने कारण राजग्राना भाव सीजन ऑल टाइम हाई रेट पर। बजार में राजग्राना आ वक्त भाव 1500-1535 रूपया सुधी पहुंचा। पानी की मांग साथ वडोदरा जिला 5 धारासभ्य सीएम ने पत्र लख्यो। 5 धारासभ्य ने 15 एप्रिल सुधी केनाल में पानी छोड़वा पत्र लखायो। वाघोड़िया, डभोई, करजण, सावली और छोटाउदेपुर एमएलए पत्र लख्यो। उनाळु पाक ने नुकसान न जाए रजूआत कराई। सरकार अमारी बात सांभळशे तो विश्वास मधु श्रीवास्तव व्यक्त कर्यो। खेड़ाना नड़ियाद पर पारस सर्कल पास गटर की पाइपलाइन में मजूर मृतदेह मळ्यो। छेल्ला 16 कलाक करता वधु पण रेस्क्यू ऑपरेशन चालतुं हतुं। पंपिंग स्टेशन की लाइन माटेना खोदकाम दरमियान बनी घटना। पोरबंदर में 2.5 वर्ष की बाड़की पर दुष्कर्म की घटना। बाड़की ने पहुंची गंभीर इजाओ। टीआरबी जवानों आरोपी ने पकड़ी पाड़ो। सूरत लिंबायत में कचरा ढगला में मृत नवजात मिली। गणेशनगर की सामने मृत नवजात मिली आयु। पुलिस मृतदेह पोस्टमार्टम माटे मोकली माता पिता की शोधखोल शुरू करी। सूरत वराछा में एसबीआई बैंक एटीएम तोड़वा प्रयास करना आरोपी पकड़ायो। एटीएम मशीन तोड़े पहला पुलिस आरोपी ने पकड़ी पाड़ो। पुणे विस्तार की बैंक की शाखाए सीसीटीवी फूटेज थी एटीएम में शंकास्पद हलचल जोता पुलिस ने करी थी जाण। मात्र 8 मिनिट में वराछा पुलिस घटनास्थले पहुंची आरोपी ने रंगे हाथी झड़प्यो।
द्वारकाना मीठापुर में वृद्ध महिला की साथ लूट। वृद्धा की आंख में मरचा की भूकी नाखी सोनाना दागीना मोबाइल सहित 72,000 मुद्दा माल की लूट। क्राइम ब्रांचे आरोपी ने पकड़ी पाड़ी। वलसाडना वापी में कारना शोरूम मैनेजर पास थी तांत्रिके पड़ाव्या 21 लाख रूपया। कथित तांत्रिक गैंगना हजूरनाथ उर्फे गिरी दाड़मनाथ मदारी महाराज की धरपकड़। 16 लाख रूपया और सोना चांदी दागीना मड़ी ने 21 लाख मुद्दा माल जप्त कराया। सुरेन्द्रनगर थानगढ़ पुलिस ने सोनगढ़ की सीम में दटायेली हालत में युवक मृतदेह मिलो। युवा की हत्या कर लाश ने पत्थरों नीचे दाटी देवाय। मृतक मित्रे ज हत्या कर परिवारजनों नो दाव। द्वारका खंभाड़िया में 29 वर्षीय युवके गड़े फांसो खाई जीवन टूंकाव्यू। अगम्य कारणोंसर कर आत्महत्या। पुलिस घटनास्थले पहुंची तपास हाथ धरी। अमदावाद में गाड़ी की डेक्की में कीमती वस्तुओं की उठांतरी करती गैंग नो आतंक। आश्रे रूपया 5 लाख भरेली बेग लई गठियो फरार थयो। भरूचना दहेज गाम में गैस लीकेज थी मची दौड़धाम। वहली सवार थी भारत रसायण कंपनी में ब्रोमीन गैस लीकेज थता मची चकचार। कंपनी कर्मचारियों ने बाहर कढ़ाया, सदनसीबे जानहानि टळी। पावागढ़ मंदिर की पाछळना भाग में एकत्रित कचरा में आग लागी। आग लागता अफरातफरी माहौल सर्जायो। स्थानिकोए आग पर काबू मेळव्यो। सूरतना कापोद्रा झूपड़ा में आग। ग्राउंड में मोटा प्रमाण में कचरा कारण झूपड़ा में आग लगी। खाली जगह पर रहता श्रमजीवी झूपड़ा बड़ी ने खाक थया। आग काबू में कराई, मोटी जानहानि टळी। राजकोट जिला जेतपुर में 15 जेटली गुफाओं। आ गुफाओं 3 सदी अंत भागे तेमज 4 सदी आरंभे बनावाई थी। गुजरात में आवेली मोटा भागनी गुफाओं हीनयान बौद्ध संप्रदाय। खंभालीडा में आवेला बौद्ध गुफाओं महायान संप्रदाय। गुफा की जाळवणी माटे सरकारे कर्यो अंदाजित 6 करोड़ खर्च, छता बांधकाम बिस्मार हालत में। राजकोट कलेक्टरे विकास कार्य ने पूरु करवानो प्रोजेक्ट हाथ धर्यो। नर्मदा जिला कलेक्टर डी ए शाहे अधिकारी और कर्मचारी अनोखी रीते सन्मान करीने बळ पूरु पाड्यु। तेमनाथी नाना कर्मचारी चेम्बर में जईने कर्मनिष्ठ कर्मचारी सन्मान कर्यु। ईपीएफओ व्याजदर में घटाड़ो। नाणकीय वर्ष 2021-22 में ईपीएफओ व्याजदर 8.5 थी घटाड़ी 8.1% कर्यो। होळी पहला नौकरियात वर्ग ने झटको। पीएफ पर मळशे 40 वर्ष में सौथी ओछू व्याज। 6 करोड़ कर्मचारी ने मोटो झटको। जो कि आ निर्णय पर हजू नाणा मंत्रालय की मोहर लागवानी बाकी है। पंजाब में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में आपना गुजरात सभ्यों ने आमंत्रण पाठवायो। भगवंत माने गोपाल इटालिया ईशुदान गढ़वी सहित आपना गुजरात सभ्यों ने आप्यु आमंत्रण। जम्मू काश्मीर में 4-5 स्थले जॉइंट ऑपरेशन शुरू करायो। पुलवामा में 2 आतंकवादी मारा गया, जयरे गांधरबल और हंदवाड़ा में 1-1 आतंकवादी ठार। हंदवाड़ा और पुलवामा में एन्काउंटर करवामां आव्यु, जेमां 1 आतंकवादी ने जीवतो पकड़ी पड़ायो। 4 आतंकवादियों में 2 लश्करी तोयब बना, जयरे 2 जैशे मोहम्मद में आतंकवादियों होवानु खुल्यु। दिल्ली गोकुलपुरी में लागेली आग में 7 लोगों मौत थया। 13 फायर टैंकरो मोड़ी रात्रि लागेली आग पर काबू मेळव्यो हतो। 60 झूपड़ाओं में लागी हती आग। जम्मू काश्मीर कुलगाम में आतंकवादियों सरपंच ने गोली मारी हत्या करी। 3 दिवस में आतंकी हुमला में 2 सरपंच मार्या गया। कांग्रेस असंतुष्ट G23 जूथना नेताओं एआईसीसी की इमरजेंसी बैठक बोलावा की मांग करी। गुलाम नबी आजाद घरे मड़ेली बैठक में टूंक समय में पार्टी नवा अध्यक्ष की पसंदगी करवामां चर्चा थी। देश में कोरोना केस में निरंतर घटाड़ो। छेल्ला 24 कलाक में नवा 3,614 केस नोंधाया। 89 लोगों कोरोना की मौत थया, जयरे 5,000 थी वधु लोग थया स्वस्थ। केरल में 24 कलाक में कोरोना वायरस नवा 1,175 केस नोंधाया। एक ज दिवस में 73 लोगों मौत थया। केरल में हाल 330 एक्टिव केस छे। महाराष्ट्र में 24 कलाक में 318 केस सामे आया। राज्य में छेल्ला 24 कलाक में 1 दर्दी मौत थयु। महाराष्ट्र में हाल 6,000 थी वधु एक्टिव केस। कर्नाटक में 24 कलाक में 181 केस नोंधाया, जयरे 3 दर्दियों मौत थया। कर्नाटक में एक्टिव केस की संख्या 2,802 ने पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना नवा 174 केस नोंधाया। छेल्ला 24 कलाक में 1 पण दर्दी मौत थी। दिल्ली में हाल 860 एक्टिव केस। चीन में कोरोना नवा 397 केस नोंधाया। चानचुंग शहर में लॉकडाउन जाहिर करायो, जयरे यूएस में कोरोना नवा 48,318 केस नोंधाया। 1645 दर्दियों कोरोना की मौत थया।
विश्व में कोरोना वायरस ने अत्यार सुधी में कुल 45 करोड़ 55 लाख की वधु केस नोंधाया। दुनियाभर में 60 लाख 57 हजार की वधु लोग जीव गुमाव्यो। 38 करोड़ 90 लाख की वधु लोग थया स्वस्थ। अमेरिका में अत्यार सुधी में कुल 8 करोड़ 11 लाख की वधु केस नोंधाया। 9 लाख 93 हजार की वधु लोगों ना कोरोना की मौत थया तो 5 करोड़ 57 लाख की वधु लोग रिकवर थया। ब्राजील में कोरोना वायरस ना कुल 2 करोड़ 93 लाख की वधु केस नोंधाया। अत्यार सुधी में 6 लाख 54 हजार की वधु लोगों ना मौत थया। 2 करोड़ 75 लाख की वधु लोग रिकवर थया। फ्रांस में कोरोना वायरस ना कुल 2 करोड़ 33 लाख की वधु केस। अत्यार सुधी में 1 लाख 40 हजार की वधु लोग गुमाव्यो जीव तो 2 करोड़ 20 लाख की पण वधु लोग रिकवर थया। ब्रिटेन में अत्यार सुधी में 1 करोड़ 95 लाख की वधु केस नोंधाया। कुल 1 लाख 62 हजार की वधु दर्दियों ना मौत। कुल 1 करोड़ 82 लाख की वधु लोग स्वस्थ थया। रशिया में कोरोना वायरस ना कुल 1 करोड़ 72 लाख की वधु केस। कोरोनाए 3 लाख 59 हजार की वधु लोगों ने भोग लीधो। 1 करोड़ 51 लाख की वधु लोग स्वस्थ थया। पाकिस्तान ने आतंकी देश जाहिर करवा अमेरिकन सांसद बिल रजू करशे। जो बिल पास थशे तो पाकिस्तान ने आर्थिक सहाय बंद थई जशे। संरक्षण सौदा पण कराशे रद्द। रशिया युक्रेन युद्धना 70मा दिवसे पण युद्ध चालू रह्यु। पेंटागोने कह्यु के रशियन ने सेना कीवनी नजीक पहुंची गई छे। युक्रेननी सेनाए रशियन टैंक पर मिसाइल हुमलो कर्यो। युक्रेनना टेररिस्ट डिफेंसे सुमीमां रशियानी 3 टैंक जप्त कर्यानो कर्यो दावो, जेनो वीडियो कर्यो जाहेर। सुरक्षा परिषदमां युक्रेन संकट पर चर्चा दरमियान भारतनुं निवेदन। कह्यु भारत नरसंहारना तमाम हथियारो रोकवाना पक्षमां छे। युक्रेनियन गुप्तचर एजेंसीए चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर आतंकियों खतरो होवानो दावो कर्यो। रशियन प्रमुख पुतिन पर आतंकवादी हुमलानो आदेश आपवानो आरोप मूक्यो। पुतिन माटे बाइडने मोटी धमकी। कह्यु जो युक्रेन पर केमिकल हुमलो थशे तो रशिया माटे मोटी किंमत चूकवी पड़शे। बाइडने कह्यु त्रीजु विश्वयुद्ध युक्रेन में नहीं लड़ाय। रशियाना केटलाक सैनिकोए खार्किवना कब्जानी जंग दरमियान कैद कराया। रशियन सैनिकोनो कबूलनामानो एक वीडियो युक्रेननी सेनाए जाहेर कर्यो। दावो कराया कि खार्किव पर कब्जो कर्या बाद त्याना लोकोने गोली मारवानो आदेश रशियन सैनिकों ने मळ्यो हतो। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने नवो मुखिया मळ्यो। आतंकी अबू अल हसन आशमी अल कुरेशी ने पोतानो नवो मुखिया घोषित करायो। साथ ज पहलो मुखिया अबू इब्राहिम अल कुरेशी ना मौत की पुष्टि पण करी। युक्रेनना चेर्निबल पर आतंकी हुमलानी साजिश। युक्रेने दावो कर्यो कि तेना चेर्निबल परमाणु प्लांटनी वीजळी कापी देवामां आवी छे। साथ ज आईएसआईएस ने तेनो डेटा पण मळवानो बंध थई गयो छे। सीरिया में आईएसआईएस ने विरुद्ध लड़वानी बात ने पुतिने अगाउ कही। जे बात ने युक्रेन सरकार ना सलाहकारे बगदादी ग्रुप साथे जोड़ी दीधी अने पुतिन आतंकवादियों नी मदद लई रहा होवानो लगाव्यो हतो आरोप। युक्रेन ना बारशिवका में सामे आवे तबाही ना दृश्य। बॉम्बमारा कारणे बारशिवका गाम तबाह थई गयुं। त्यांना लोकोए तेना माटे रशिया ने जवाबदार ठेरवी। जे स्थळो पर स्कूल अने रेस्टोरेंट हती त्यां फक्त तेना काटमाळ जोवा मळ्या तो युक्रेन ना सैनिकों स्थानिकों नी मदद करता जोवा मळ्या। युक्रेननी राजधानी कीव पर रशियानो रॉकेटथी हुमलो, जेनो नवो वीडियो आव्यो सामे। ड्रोनथी लेवायेलो वीडियो 5 मार्चनो होवानुं बतावायो। 5 मार्चे रशियाना सैनिको ट्रकनी साथे कीवनी बहार सुधी पहोंची गया। जे बाद रहेणाक विस्तारने टार्गेट करी एक बाद एक रॉकेट छोड़वामां आव्या, जेमां केटलीक इमारतो तबाह थई गई। युक्रेनना निकोलाइवमां रशियानी सेनाए रहेणाक विस्तारोने कर्या टार्गेट। बॉम्बमारा बाद केटलाक विस्तारोमां आग लागी। दावो करायो छे के रहेणाक विस्तारोमां बॉम्बमारो कराता लोकोनी हालत कफोड़ी थई गई। युक्रेननी सेनानो जंगलमां अभ्यास करतो वीडियो जाहेर करायो, जेमां रात्रिना समये स्पेशियल फोर्सनी एक टुकड़ी संपूर्ण रीते सतर्क नजरे पड़ी अने वीडियो थकी चेतवणी अपाई के युक्रेन पर हुमलो करनाराओ रात भारे पड़ी शके छे। युक्रेनना विद्रोहीने डोनेस्क पर वधु एक विस्तार पर कब्जानो दावो। डोनेस्क युक्रेननो ज एक भाग, जेने जंग शुरू थता पहला ज रशियाए अलग देशनी मान्यता आपी हती। युक्रेनना कीवमांथी लोकोनुं पलायन हजु पण यथावत। जंगमां खौफथी કોઈપણ કિંમતે લોકો શહેર છોડવા માટે જોવા મળ્યા। રાહત બચાવ વાહનોમાં લોકો ઠૂસી ઠૂસીને ભરેલા જોવા મળ્યા। અમેરિકાએ યુક્રેનમાં કેમિકલ હુમલાની આશંકા વ્યક્ત કરી। 2 દિવસ અગાઉ રશિયાએ અમેરિકાને યુક્રેનના જૈવિક હથિયાર બનાવવા માટે જવાબદાર ઠેરવ્યું હતું। અમેરિકાની ચિંતા એ છે કે જો રશિયા યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ લાંબા સમય સુધી ચાલ્યું તો રશિયા જૈવિક હથિયારોનો હુમલો કરવા પર ઉતરી શકે છે। समाचार सुपरफास्ट में हाल समय थयो छे एक विरामनो।
વેલકમ બેક. વધુ સમાચાર જોઈએ સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં. રશિયાએ માર્યુપોલમાં કરેલા હુમલા બાદ શહેર થયું તબાહ, જેનો વિડીયો યુક્રેનના વિદેશ મંત્રાલયે કર્યો જાહેર. મિસાઇલ હુમલાના કારણે શહેર ખંડેર હાલતમાં જોવા મળ્યું. પૂરી દુનિયાને સંદેશ મોકલી અપીલ કરાઈ કે યુક્રેનની કરે મદદ. યુક્રેને અમેરિકાથી મોટો ઝટકો. અમેરિકાએ યુક્રેનને લડાકુ વિમાન આપવાનો કર્યો ઇનકાર. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિએ અમેરિકા સહિત યુરોપિયન દેશો પાસે રશિયાના હુમલાનો જવાબ આપવા માંગી હતી મદદ. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિનું નિવેદન, કહ્યું અમારા પોલેન્ડ સાથે મજબૂત ગઠબંધન કર્યું છે. ઈશ્વર ઈચ્છે તો આ જંગ જરૂર જીતીશું અને પોતાના ભાઈ બહેનો સાથે ઉજવણી કરીશું. રશિયાની ભારે ફાયરિંગ વચ્ચે યુક્રેને એક મોટો બોમ્બ ડિફ્યુઝ કર્યાનો વિડીયો જાહેર કર્યો. આરોપ છે કે જંગ દરમિયાન ભારે ભરખમ બોમ્બ રશિયા તરફથી ફેંકવામાં આવ્યો હતો. રશિયાના રક્ષા મંત્રાલયનો દાવો, રશિયન સેના તેજીથી યુક્રેનના વિસ્તારોમાં થઈ રહી છે દાખલ, જેનો વિડીયો પણ રશિયાના રક્ષા મંત્રાલયે જાહેર કર્યો. પાકિસ્તાનમાં વિપક્ષની એકતા ઇમરાન પર ભારે પડતી જોવા મળી. વિપક્ષનો ઇમરાન ખાન પર આરોપ, કહ્યું સેના જેવું કહે તેવું જ કરે છે ઇમરાન ખાન. આ ઉપરાંત વિપક્ષે એવો આક્ષેપ લગાવ્યો કે ઇમરાન સરકારમાં પાકિસ્તાનના લોકોએ ભૂખમરો સહન કરવાનો વારો આવ્યો. ઇમરાનનો વિરોધ કરનારી પાકિસ્તાની પાર્ટી જમિયત ઉલેમા એ ઇસ્લામી હઝલના નેતાઓ પર વરસાવ્યો કહેર. નેતા સલાઉદ્દીન અયુબીના ઘરમાં ઇમરાનના કમાન્ડોએ વર્તાવ્યો કહેર. યુક્રેનની રાજધાની કીવ પર હુમલો કરવા જઈ રહેલા રશિયન ટેન્કોના કાફલાને યુક્રેને નિશાન બનાવ્યું. દાવો કર્યો કે હુમલામાં રશિયન ટેન્ક રેજિમેન્ટા કર્નલ માર્યા ગયા. રશિયન હુમલાની સૌથી વધુ માર સહન કરનારા ખાર્કીવમાં રાહત કામ જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે. રાહત બચાવ કમિટીએ સેના સાથે મળીને મિસાઇલો એકઠા કરવાની શરૂ કરી, જેમાં બ્લાસ્ટ નહોતો થયો. કેટલાક વિસ્તારોમાં કરાયેલા બોમ્બમારાની ત્યાંની સુરત બગાડી નાખી. બાળકોના રમવાનું મેદાન હોય કે પછી રહેણાંક બિલ્ડિંગો હોય, રશિયન હુમલાથી ચોતરફ તબાહીના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. માર્યુપોલ પર રશિયાએ કરેલા હુમલાને લઈ યુક્રેન રાષ્ટ્રપતિ આક્રોશિત થયા, કહ્યું હોસ્પિટલ પર થયેલો હુમલો માનવતા વિરુદ્ધ. હુમલામાં 17 લોકો ગંભીર રીતે થયા ઘાયલ. યુક્રેનના માર્યુપોલ પર કબજો જમાવવા માટે રશિયાનો સતત મિસાઇલ મારો. કેટલીક ઇમારતો કાટમાળમાં ફેરવાઈ. ઇમારતોમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવા મોટા પાયે કામગીરી હાથ ધરાઈ. બનાસકાંઠાનું ડીસા બટાકા બાદ હવે રાજગરાનું હબ બની ગયું છે. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ રાજગરાની આવક ધરાવતા ડીસા માર્કેટયાર્ડમાં વર્ષે રાજગરાના ભાવ સિઝનમાં ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પહોંચી ગયા છે. રાજકોટના ધોરાજી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ધાણાની આવક. ધાણાની હરાજીમાં સારા ભાવ મળતા ખેડૂતો ખુશખુશાલ. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 3,000 મણની આવક. આ વર્ષે ધાણાની હરાજીમાં 2,000 થી 2,200 રૂપિયા સુધીનો ભાવ મળ્યા. ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે સારા ભાવ. ગત વર્ષે 1,000 થી 1,200 ભાવ હતો. સુરેન્દ્રનગરમાં ચણાનું મોટા ભાવે વાવેતર કરાયું. અંદાજે 77 હેક્ટર કરાતા વધુ જમીનમાં વાવેતર કરાયું. ઉત્પાદન પણ સારું આવતા ચણાની આવક શરૂ થઈ. વઢવાણ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરાઈ. માર્કેટિંગ યાર્ડમાં અત્યાર સુધીમાં 6,000 મણની ખરીદી કરાઈ. 1,046 રૂપિયાના ભાવે સરકારે ખરીદી શરૂ કરી. 4,000 થી વધુ ખેડૂતોએ ચણાના વેચાણ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું. દરરોજ 50 થી 70 ખેડૂતોએ ખરીદી માટે બોલાવાય છે. સારા ભાવ મળતા ખેડૂતો પણ ખુશ થયા. ઉનાળાની શરૂઆત થતાં મેશ્વર ડેમ નદી કાંઠાના ગામોમાં પાણીની સમસ્યા સર્જાઈ. મેશ્વર ડેમમાંથી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવે તેવી લોકોની માંગ. નદી કાંઠાના ગામોમાં પાણી માટે પોકાર. પાણી છોડવામાં નહીં આવતા હાલ મેશ્વર નદી સૂકી ભટ બની. ઉનાળામાં પશુઓ માટે પાણી ક્યાંથી લાવવું તેવી ખેડૂતોમાં ચિંતા. મેશ્વર ડેમમાંથી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવે તેવી માંગ કરાઈ. મેશ્વર ડેમ નદી કાંઠાના શામળાજી, શામળપુર, ખારી, મેરવાડા, સુખોઈ સહિતના 15થી વધુ ગામોમાં પાણીની અછત. ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ કુવા અને બોરના જળસ્તર ઊંડા ગયા. પાણીની સમસ્યાથી લોકો પરેશાન બન્યા. સુરતમાં એક અજીબો ગરીબ ઘટના બની. શેરબજારમાં દેવું વધી જતા એક વેપારીએ બીજાના બીમાર પુત્રને પોતાનો બતાવી ઇલાજના નામે 3 લાખ ઉઘરાવ્યા. સોશિયલ મીડિયામાં ખોટા પ્રચાર કરીને પૈસા ઉઘરાવ્યા. સમગ્ર ઘટનાની જાણ થતાં સાયબર ક્રાઇમે ઉત્તરાખંડમાં રહેતા જનરલ સ્ટોરના વેપારીની ધરપકડ કરી. ઉત્તરાખંડના વેપારીએ સુરતના 2 વર્ષના બાળકને પોતાનું બતાવી ફંડ ભેગું કર્યું. ગોધરાના મનહરભાઈ ઝાલાની હત્યાના 7 દિવસ બાદ પણ હજુ સુધી મૃતદેહ ન મળતા પરિવારની કલેક્ટરને રજૂઆત. જિલ્લા અનુસૂચિત જાતિ સમાજે એટ્રોસિટી અને છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધવા માટે કરી માંગ. ચોટીલામાં વીજબિલની ઉઘરાણી કરવા ગયેલા કર્મચારી પર હુમલો. બાકી વીજબિલની રકમ લેવા જતા રાજુભાઈના દીકરાએ લાકડી વડે કર્મચારી પર હુમલો કર્યો. કર્મચારીને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા સારવાર હેઠળ ખસેડાયો. વીજ કર્મચારી પર હુમલાને લઈ રોષે ભરાયેલા અન્ય વીજ કર્મચારીઓએ
રેલી યોજી. તેઓએ પોલીસ મથકે લેખિતમાં રજૂઆત કરી અને આરોપીઓને કડક સજા મળે તેવી માંગ કરી. રાજકોટના જેતપુરની ભાદર કેનાલમાંથી મળી આવેલી લાશનો મામલો. સાધુની રુદ્રાનંદગીરીની હત્યાનો ખુલ્યો ભેદ. શેરબજારમાં રોકાણની લેતી દેતીમાં હત્યા થયાનું આવ્યું સામે. મહીસાગરમાં એકતરફી પ્રેમમાં પાગલ બનેલ યુવકે લીધો યુવતીનો જીવ. પ્રેમિકાના છાતીના ભાગે ચપ્પુના ઘા મારી કરી હત્યા. યુવતીને પ્રેમ સંબંધ મંજૂર ન હતો, જેથી પ્રેમમાં અંધ બનેલા યુવકે યુવતીને ઉતારી મોતને ઘાટ. યુવતીના એક વર્ષ પહેલા થયા હતા લગ્ન. યુવતીએ સંબંધ રાખવા માટે સતત ના પાડતા કારણે યુવકે તેને હત્યા કરી પોતે આપઘાત કરવાનો કર્યો પ્રયાસ. હત્યારો પ્રેમી પકડાતા તે હાલ સારવાર હેઠળ. નવસારીમાં ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરતા ધ્રુવ નાયકે આપઘાત કર્યો. શહેરમાં 5 દિવસની અંદર બની ત્રીજી ઘટના. સમગ્ર મામલે પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી. સમાચાર સુપરફાસ્ટમાં અત્યારે બસ આટલું. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.